मनुष्य चाहे किसी भी धर्म को मानने वाला हो, आत्मिक शांति के लिए प्रार्थना पूजा अर्चना करता रहता है, किंतु फिर भी मन वांछित लाभ नहीं मिल पाता। जब तक मन नियंत्रित और अनुशासित नहीं होता, जीवन में भटकाव रहता है। इसलिए कहा गया है, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। आज से 50-60 वर्ष पूर्व अधिक पढ़े लिखे लोग नहीं थे, पर व्यवहारिक ज्ञान में अत्यंत निपुण थे। उस समय सभी संबंधों में आत्मीयता एवं मधुरता दिखाई देती थी। वर्तमान में शैक्षिक एवं वैज्ञानिक उन्नति ने समृद्धि में तो वृद्धि कर ली है, पर मन की शांति भंग हो गई है। सामंजस्य के अभाव में आज ईर्ष्या, द्वेष, कलह एवं वैमनस्यता का विष वमन हो रहा है। आज के जीवन में असत्य चिंतन, असत्य आचरण, असत्य भाषण बढ़ता जा रहा है। यहाँ तक कि प्रकृति भी प्रभावित हो रही है। क्यों? क्योंकि सद्विचारों की निर्मल धारा विषाक्त विचारों में परिवर्तित हो गई है। इसलिए दूसरों के प्रति निस्वार्थ एवं कल्याणकारी भावनाओं को हृदय में पल्लवित एवं पुष्पित होने दें और शांति की अनुभूति प्राप्त करें। शांति की इस हरितिमा के संवर्धन के लिए हमें धैर्य, क्षमा, सहनशीलता, उदारता, सहयोग, करुणा, दया आदि गुणों को अपनाना चाहिए। मनुष्य के मूल में कोई सार तत्व है, जिसे हम आत्मा, चेतना अथवा परमात्मा का अंश कह सकते हैं। जिस क्रिया को करने से आत्मस्वरूप की प्राप्ति होती है, उस क्रिया को अध्यात्म कहते हैं। आत्मा में रमन करना अध्यात्म है। मनुष्य का अपने चेतन स्वरूप से जुड़ना ही आध्यात्मिकता है। आध्यात्मिकता के प्रकाश से प्रकाशित होना चरित्र का वास्तविक उन्नयन है। यह देह अध्यात्म की माटी का एक दीप है। संयम अध्यात्म का तेल है। साधना अध्यात्म की बाती, दृष्टि अध्यात्म की लौ, ध्यान अध्यात्म की धूप और ज्ञान दर्शन अध्यात्म का प्रकाश है। हमारे दुखों का कारण स्वार्थ परकता है और समस्त सुखों का कारण स्वयं में दूसरों की भलाई एवं खुशी की निस्वार्थ भावना पनपना है। आज स्वार्थ परकता की कलुषता हमारे मन को उज्ज्वलता, आत्मा की पवित्रता और आत्मबल को नष्ट कर रही है। आज आवश्यक है कि हम आत्मदृष्टि को जागृत कर सुखों को क्षणिक माने और उसमें आसक्ति न रखें। यही हमें आत्मिक सुख का अनुभव कराएगी। धन्यवाद।